मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। बज गए सुबह के 5:35 और हम निकल रहे हैं राइडिंग के लिए। जय बाबा जी। तो चलते हैं, मस्त राइडिंग करके आते हैं भाई। स्कूल फिर जाना है क्योंकि, तो वही है दिनचर्या, बस राइडिंग, वॉकिंग, स्कूल एंड शाम को अभी माता की चौकी और बस्तर दशहरा जो कि फेमस, और आज फूल रथ की दूसरी परिक्रमा भाई। तो जाएंगे और आप लोगों को वापस फूल रथ की परिक्रमा दिखाएंगे आज। सामने मौसम देखो भाई, क्या जबरदस्त है। दिन तो चढ़ गया है बट कोहरा वैसे मस्त। वृंदावन लॉन की ओर तो शायद ज़्यादा होगा। ओ ये देखो वृंदावन लॉन, कोहरा। देखो भाई सामने कोहरा देखो, पूरा धुंध छाया हुआ है एंड वॉकिंग करने वालों की कतार वैसे ही। भोलेनाथ के दर्शन, जय भोले शंकर, जय भोले शंकर, जय श्री राधे। तो ये पहुंच गए भाई मंगलू का चौराहा स्टार्टिंग एंड फूल भी देखो तोड़ लिए, बढ़िया। तो 6 बज गए हैं अब। राइडिंग जो है थोड़ी फास्ट करनी पड़ी क्योंकि बहुत स्लो है। तो आज जा रहे हैं हम इस और भाई अड़ावाल मार्ग में। तो आज ऐसे चलाते हैं साइकिल, इस तरफ मन किया है चलाने का तो इधर चलते हैं आज, बढ़िया। ये ढालेश्वर महादेव, जय भोले शंकर। सो ये राइडिंग करते अड़ावाल चौक एंड काफ़ी स्लो राइडिंग है यार। मैच 10-11 की स्पीड में चल रही है साइकिल, काफ़ी जोर लग रहा है, पता नहीं क्या है। अड़ावाल हाईवे मिसोर से जयपुर मोड़, देन वहाँ से टर्निंग लेके हाट कचौरा की ओर जाएंगे और फिर पूरा सिटी को कवर करते हुए भाई निकलेंगे अपन राइड करने, कंप्लीट अपनी राइड करने। काफ़ी कोहरा है भाई इस तरफ भी देखो, पूरा हाईवे में आगे। ठंड बढ़ गई है तो उस वजह से भी थोड़ा स्लो हो रहा है राइडिंग। और फूल तोड़ने रुक गए थे देन वापस राइडिंग स्टार्ट हुई तो जो स्पीड थी वो पूरी डाउन हो गई और वो कवर अप नहीं हो पा रहा है भाई। बट सुबह की बात ही अलग यार, सुबह उठो राइड में निकलो वो कुछ बात ही अलग। सो ये देखो यहाँ भोलेनाथ का मंदिर, जो विशाल मूर्ति बट कोहरे की वजह से दिख नहीं पा रही है भाई। एंड बस राइडिंग करते करते जयपुर मोड़ पहुंचने वाले हैं अपन।
ये NS30 फाइनली एंट्री अपन। तो NS30 से एक्चुअल में हमें मुड़ना था हाट गजोरा, बट हम नहीं गए। NS30 से लाल बाग होते हुए सिटी और राउंड करने जाना पड़ेगा भाई, क्योंकि अभी तो सिर्फ 10 ही किलोमीटर होंगे, तो सफ़र अभी थोड़ा सा और तय करना है लंबा। तो ये राइडिंग करते करते भाई मेन रोड सिटी का देखो मस्त। तो ये देखो मंदिर माता रानी का और वो फूल रथ जय बजरंगबली। तो फूल रथ की पहली परिक्रमा के दौरान रथ जो है इस प्रकार मंदिर के सामने खड़ा कर दिया जाता है ग्रामीणों के द्वारा, और आज वापस फिर परिक्रमा शुरू होगी। दलपत सागर फाइनली। दूर जाना है और नहीं फिर वापसी, क्योंकि टाइम हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो ये दलपत सागर एंड राइडिंग आज मज़ा नहीं आया, क्योंकि काफ़ी स्लो राइडिंग हुई है। तो वो रहे सूर्यदेव, सूर्यदेव का आगमन, जय सूर्यदेव, जय सूर्यदेव। एंड वापस दलपत सागर जलकुंभी जो है भाई वापस पूरी उग चुकी है, तो ये जो है साफ ही नहीं हो रहा है। वो ही थी खत्म भाई का, एंड वॉकिंग के लिए निकल गए। एंड वॉकिंग करते करते लगभग 1.30 किलोमीटर चल भी लिए हम। थोड़ा दूर और चलते हैं फिर बैक टू पवेलियन घर की ओर। बढ़िया। वो ये देखो लोकेशन हमारा फेवरेट। तो अभी यहाँ पहुँचे हैं एंड 1.55 किलोमीटर डन भाई। तो घर भी चलते हैं तो 3 किलोमीटर तो हो ही जाएंगे हमारे। बढ़िया। लगभग 3 किलोमीटर की हमारी वॉकिंग अभी हो गई है और लगभग बचा है 0.80, एंड इसमें 1 किलोमीटर जो है आज हम रनिंग कर लिए भाई, दौड़े हैं आज। तो वॉकिंग के साथ साथ आज दौड़ना भी धीरे धीरे प्रैक्टिस में लाना है यार दौड़ने के लिए। वॉकिंग तो कर ही रहे हैं, थोड़ा रनिंग भी हो जाए तो सही हो जाएगा। तो लगभग 1 किलोमीटर दौड़ लिए हैं, तोड़ो में भले लेकिन दौड़े हैं भाई। देखो ये वृंदावन लॉन NS30 वाले मार्ग में। तो ये हाथ को ऊपर उठा के एक्सरसाइज भी भाई साथ साथ कर लेते हैं जब वॉक में रहते हैं हम। तो जो बच जाएगा हमारा वॉकिंग, तो 1 किलोमीटर तो स्कूल के जाते समय जयपुर मोड़ तक, 3 किलोमीटर जो शेष रह जाएगा तो वो हम करेंगे स्कूल की ओर अपने उसी मार्ग में, मार्कंडी नदी। रोड भी बढ़िया है यार एंड शांत भी है,
तो सही रहता है लंच टाइम में उधर वॉक के लिए। हो गए रेडी और बज चुके हैं 9:15। जय भगवान जी, पूजा हो गई हमारी, जय बाबा जी। तो हम निकलते हैं बढ़िया स्कूल फटाफट मस्त। मिठू दर्शन हो गए भाई और बस इंतज़ार पायल की। बस बस आए तो हम निकलते हैं फिर स्कूल। कम उड़ में उतर गए भाई और बस पैदल पैदल जा रहे हैं, तो देखते हैं कोई लिफ्ट मिल गया तो लिफ्ट लेके सीधा स्कूल। वैसे बघेल सर आ रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं वो बालिंगा में, तो तब तब चल लेते हैं थोड़ा, जहाँ से फिर वो मिल जाए तो बैठ के चले जाएंगे उनके साथ। देखो भाई वॉक करते करते मार्कंडी नदी पुल, एंड अभी वापसी भी जाते हैं तो 8 किलोमीटर हो जाएंगे, क्योंकि सुबेरे और चल लिए स्कूल तरफ हम 1 किलोमीटर, तो लगभग यहाँ तक अच्छे खासे किलोमीटर हो गए। तो वापसी जाएंगे तो 8.5 किलोमीटर हो जाएगा, बट हमको थोड़े से चाहिए फूल, तो फूल तोड़ते हैं भाई आगे चल के बढ़िया। देखो भाई हमारे साथ आया था गोपाल 10th क्लास और 9th का नानीराम। तो नानीराम की हाइट है अच्छी खासी, तो नानीराम के हाइट का फ़ायदा ये हुआ कि इतने सारे फूल मिल गए पूजा के लिए हमें। और अब वापसी जा रहे हैं देखो इसी मार्ग से फिर हम लोग, क्योंकि टाइम 1:37 हो गया है और 2 बजे होगा लंच ख़त्म, तो 2 बजे लंच ख़त्म होने से पहले पहले हम लोग को पहुंचना है स्कूल। तो तुम लोगों का लंच ख़राब हो गया क्या मेरे कारण? नहीं हुआ ना, अभी टाइम है लंच ख़त्म होने, 35 मिनट है अभी। तो लंच में इन्होंने इधर उधर घूमते रहते हैं कैंपस में, तो मैं बोला कि चलो मेरे साथ, तो इन लोगों को करवा दिए वॉकिंग, काम भी हो गया वॉकिंग भी हो गई, अब जा रहे हैं रिटर्न स्कूल बढ़िया। फाइनली डिनर हो गया भाई, डिनर फलाहारी, एंड अभी हम लोग जा रहे हैं माता की चौकी मम्मा जी को ले गए। तो माता की चौकी मम्मा जी को छोड़ते हैं और हम जाएंगे फूल रथ की दूसरी परिक्रमा देखने मस्त, तो अभी निकलते हैं फटाफट से बढ़िया। रथ परिक्रमा सेकंड परिक्रमा भाई, मिताली चौक में रथ, चालू भाई वापस मरम्मत के बाद। गीत समस्त शोक तो लोग गीत अच्छा प्रगटाया।
तो ये बस्तर दशहरे की रौनक भाई 2023 और ये रथ विधि विधान पूर्वक मंदिर के सामने रथ यात्रा की संपन्न दूसरे फूल रथ की परिक्रमा। मम्मा जी गई हुई है मंदिर यार दर्शन करने, हम तो कर लिए थे, मम्मा जी गई हुई है तो हम खड़े हैं यहाँ गाड़ी के पास में। तो ये दुर्गा चौक भाई माता रानी का दरबार सज चुका है, अब यहाँ दर्शन करते हैं हम लोग। ठंड चालू हो गई, टोपी पहन लिए, हुडी वाला टी शर्ट था तो इसलिए देखो फटाक से इसको पहन लिया। काफ़ी ठंडा हमारे घर तरफ तो काफ़ी ठंडा, क्योंकि सामने जो है जहाँ हम वॉक करने जाते हैं सामने उस तरफ तालाब है, वो काफ़ी ठंडा हो जाता है ठंड के समय यहाँ। तो अब चलते हैं, 10 बज गए हैं, बढ़िया नहा वहा सोते हैं आराम करते हैं। रात के बज गए 10:30 हो रहे हैं और हम लोग अभी आए हैं जस्ट, तो पवन लोग मिल गए थे तो आधा पौन घंटा पवन लोग सब गप मंदिर के सामने, देन फिर गए दुर्गा जी देखने संजय मार्केट, दुर्गा चौक, संतोषी वार्ड, हाट कचौरा, तो चार जगह के दुर्गा जी भी देख लिए, फूल रथ की सेकंड परिक्रमा भी हो गई। तो अभी इस ब्लॉग का एंड करते हैं। आई होप आप लोग को आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना दोस्तों, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, जय भोले शंकर, हर हर महादेव, जय माता दी। तो कल मिलते हैं आप लोग से।